हेलो एवरीवन, हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के सीरीज़ पे आ चुके थे और हम लोगों ने यूवी विजिबल और कलरीमेट्री मतलब मेजर पोर्शन हम लोगों ने विजिबल रेंजेस के लाइट को स्टडी किया था। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जिसका नाम है आईआर रेडिएशंस के से हम क्या क्या जानकारियाँ बायोलॉजी में यूज़ हो सकती है इसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पहले बात करूँ, जिसको सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताई थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके सिलेबस में भी ऐड हो चुका है, तो अगर उसकी बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोग ने यह देखा था कि यूवी रेंजेस के बाद हमारे पास देखो विजिबल रेंज हमारे पास रहते थे और ये विजिबल रेंज जो है वो यूवी रेंजेस के बाद एक सेकेंड तो वो यूवी रेंज इसके जस्ट नीचे वेवलेंथ हम लोग यूवी रेंज का रखे थे, यूवी लाइट। और अगर विजिबल रेंज के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास आई इंफ्रारेड रीजन रहता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं यूवी लाइट से, इसके बाद हम लोग ने और वेव्स पढ़े और लाइट पढ़े थे, अभी मुख्यतः हमको इन्हीं तीनों से काम है, इस कारण से मैं आपको इन्हीं तीनों का कंपैरिजन बता पा रहा हूँ। और विजिबल रेंज का जो वेवलेंथ था वो हम लोगों ने 400 नैनोमीटर में से 700 नैनोमीटर तक देख लिया था। कई कई बुक्स में वो 800 नैनोमीटर तक भी चले जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यूवी लाइट और विजिबल रेंज और इंफ्रारेड रीजन में, अगर मैं यूवी लाइट से इंफ्रारेड की तरफ जाऊंगा तो मेरे को जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। कहने का अर्थ यह है कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ यूवी लाइट के रीजन से ज्यादा होगा, एक बात तो हमको पता चल गई। दूसरा भी मैं बोल सकता हूं कि आईआर रीजन जो है, इंफ्रारेड रीजन जो है, इंफ्रारेड लिख लीजिए, जो इंफ्रारेड रीजन्स है, जो इंफ्रारेड रीजन है उसका वेवलेंथ विजिबल से भी ज्यादा होगा। अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करूं तो इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ रेंज है वो ज़्यादा होता है, अराउंड 780 नैनोमीटर से 1 mm मिलीमीटर तक। तो आप देख सकते हो कि 400 नैनोमीटर से 400 से नीचे वाले यूवी रेंजेस में आएंगे, है ना, और 700 से ऊपर इंफ्रारेड रीजन्स में आ जाएंगे। तो विजिबल रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है, तो इंफ्रारेड रीजन 780 से चालू। मैं बोला था कि ये थोड़ा 800 के आसपास कई बुक्स में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो लेकिन आप मोटा मोटी इस चीज को ध्यान पे रखे रहेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो 780 नैनोमीटर में, 780 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर भी है उसमें भी डिविजन्स है, जो खैर वो बात की बात आएगी कि इंफ्रारेड रीजन जो विजिबल रेंज के पास है उसको नियर इंफ्रारेड बोला जाएगा। कहने का अर्थ यह है, आप खुद सोचिए, जब मैं पहली क्लास में बता रहा था कि विजिबल रेंज, यहां पे विजिबल रेंज में जो लास्ट लाइट होगा वो रेड लाइट होगा, रेड लाइट जहां से खत्म हो रहा होगा और आईआर रीजन जस्ट चालू हो रहा होगा, तो आप सोचिए कि रेड लाइट खत्म हुआ और इंफ्रारेड चालू हुआ तो वो विजिबल लाइट से पास है, तो उस रेंजेस उनको हम बोलेंगे नियर इंफ्रारेड। क्या बोलेंगे? नियर इंफ्रारेड।
और जहां पे आईआर का स्पेक्ट्रम खत्म हो रहा होगा, कहने का मतलब यह है 1 मिलीमीटर के बाद वो दूसरा लाइट चालू करेगा इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, है ना। तो उस रीजन को हम लोग बोलेंगे फार इंफ्रारेड। उस रीजन को हम लोग बोलेंगे फार इंफ्रारेड। उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? फार इंफ्रारेड। अगर मैं इन रेंजेस की बात करूं तो जो नियर इंफ्रारेड है वो 780 नैनोमीटर से 1.4 माइक्रोमीटर तक का रेंज रहेगा, और फार इंफ्रारेड की बात करूं तो ये 3 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर तक भी होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि कुछ बुक्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो इन नियर इंफ्रारेड है उसको कई लोग बोलते हैं कि वो IRA है, फार वाले को लोग IRC बोलते हैं, मिडिल रीजन को बोलते हैं IRB। तो नियर इंफ्रारेड का रेंज ये रहेगा, ठीक, IRC का रेंज ये रहेगा फार इंफ्रारेड के, और IRB का रेंज 1.4 से 3 माइक्रोमीटर के बीच की बात IRB रीजन्स कहलाएंगे। तो आप देख सकते हो कि वेवलेंथ के अनुसार IR रीजन्स में नियर इंफ्रारेड, मिडिल रीजन को भी बोलते हैं IRB के फॉर्म पे, IRC जो है वो फार इंफ्रारेड कहलाएगा। तो ये वेवलेंथ्स की बात हुई इन तीनों लाइट में, क्योंकि हम लोग यही चीजों को पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है जब IR स्पेक्ट्रम खत्म हो रहा होगा और विजिबल रीजन खत्म हो रहा होगा और इंफ्रारेड स्टार्ट हो रहा होगा, तो जब स्टार्ट हो रहा है वो नियर है, और जहां पे वो खत्म होने का कगार पे आ गया उसके बाद दूसरी लाइट स्टार्ट होगी, उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूं कि वो नियर इंफ्रारेड फार इंफ्रारेड कहलाएंगे क्रमशः। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों, खैर ठीक है, ये बात जानकारी जानना बहुत जरूरी होती है। दूसरी अगर बात करें, आप कोई एक चीज जब सब शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, एक इक्वेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि E=hc/λ। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होगा कि E=hc/λ जो है इससे हमको चीजें क्या पता चल रही थी, हमको चीजें यह पता चल रही थी कि E जो है, E इज एनर्जी, वो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है लैम्डा के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। इसका मतलब यह होगा कि जिसमें वेवलेंथ ज्यादा है, जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है उस लाइट का एनर्जी कम होगा। यह बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से पहले कर चुकी है। अब आपको एक ध्यान में एक चीज, तो हमको चीजें क्या पता चली कि हमको चीज यह पता चलती है कि एक सेकेंड कि वेवलेंथ यहां से बढ़ते जा रहा है, तो यहां से आगे की तरफ मैं अगर बढ़ूं, है ना, तो इसका एनर्जी, इन लाइट्स की एनर्जी कम होते जा रही है। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी, गामा रेडिएशन की बात भी हुई थी इससे पहले, है ना, गामा रेस की बात भी हुई थी, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ चुके हैं उन चीजों को। तो यूवी लाइट जो है वह उसकी एनर्जी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली विजिबल लाइट की, और विजिबल लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली इंफ्रारेड की। अगर हम लोग विजिबल रेंजेस की बात करें, विजिबल रेंजेस में हम लोगों ने यह देखा था विजिबल लाइट के केस पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो करके हायर स्टेट में जंप कर रहे थे,
इसको हम लोगों ने देखा था। इसका मतलब क्या था कि विजिबल रेंज के पास हमारे पास उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में प्रमोट कर सकता है। लेकिन आईआर रीजन्स जो है, जो इंफ्रारेड रीजन है, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल तक प्रमोट कर सके। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम लोगों को विजिबल लाइट पे देखा जा पा रहा था, वो ट्रांजिशन हमको इंफ्रारेड रीजन में नहीं देखने को मिलेगा। इतना तक आप लोगों को क्लियर होगा मेरे हिसाब से। जिन्होंने पहले मेरे साथ पढ़ के रखा हुआ है उसके लिए बहुत ही आसान है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो पा रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट पे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं इंफ्रारेड। इसका मतलब इंफ्रारेड डज नॉट हैव दैट एनर्जी दैट कैन प्रमोट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि इंफ्रारेड की एनर्जी उतनी नहीं होती जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने निचले स्तर से अपर स्तर, हायर स्तर या उच्च स्तर में जाने के लिए या प्रमोट होने के लिए सक्षम हो। लेकिन तभी भी कोई वेवलेंथ वाली लाइट किसी मॉलिक्यूल में पड़ रही है तो कुछ एनर्जी तो होगा, अभी तो कम है बोल रहे हैं, है ना, तो कुछ एनर्जी तो होगा। तो इंफ्रारेड जो रेडिएशन है, ये दो पॉइंट आप लिख लेना जो मैं आप लोगों को बताया है, ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे कि जो इंफ्रारेड रेज है ये मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो नहीं कर सकते, लेकिन वो उन मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड रीजन्स कॉजेस वाइब्रेशंस इन अ मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वाइब्रेशंस जरूर कर पा रहे हैं। इनको हम लोग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कह सकते हैं। ऐसा आप चीज समझ सकते हैं कि भाई कोई एक एनर्जी आप लोगों को, जैसे कोई एक पतला आदमी है ना, तो अगर उसको आपको ढकेलना है तो आप आसानी से उसको ढकेल सकेंगे अगर आपके पास उससे ज़्यादा एनर्जी है तो, मतलब एनर्जी ज़्यादा है तो आप उसको पुश कर सक पा रहे हैं। लेकिन आपके पास एनर्जी कम है तो आप उसको पुश करके इसको ढकेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा वाइब्रेट तो कर पा रहे हैं। तो वही स्थिति इस विजिबल रेंज और इंफ्रारेड रीजन पे है। ठीक है, तो इंफ्रारेड रीजन वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में प्रमोट तो नहीं कर पा रहा है लेकिन उनमें वाइब्रेशंस कॉज कर पा रहे हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम लोगों ने एक नई टेक्निक डिस्कवर किया जिसको अपन लोग बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इन तीन वर्ड्स के डिफरेंसेस को भी मैंने बहुत अच्छे से बता के रखा हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक ऐसा टेक्निक है, लिख सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा टेक्निक है जो जिसमें जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कॉज करते हैं और हम इसको फंक्शनल ग्रुप्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग मॉलिक्यूल का नेचर अलग अलग होगा और वो डिफरेंट आईआर लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद उनमें वाइब्रेशंस अलग अलग होंगे।
जिस प्रकार से हमने विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करी थी कि हर एक मॉलिक्यूल का नेचर लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए अलग अलग रहेगा, उसी प्रकार ये वाइब्रेशंस करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर चाहिए रहेगा। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर चुके थे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मैं इस पोजीशन पे एक बार खड़ा हुआ हूं और मैं उधर से फिर वापस आया, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक यूनिट टाइम में क्या हो रहा था, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे। अगर कोई भूल गए होंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला लेक्चर फिर से देख सकते हैं, है ना। इस कारण से मैंने बेसिकली उसको बताया। तो इस आईआर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंटेंसिटी से रिलेटेड हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को याद दिला दूंगा, फ्रीक्वेंसी को मैंने यह बताया था कि कितने बार नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो पाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हम लोगों ने की थी। अभी देखना मैं इक्वेशन बताऊंगा तो आपको फिर से याद आ जाएगा, ठीक। तो हर एक मॉलिक्यूल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, आईआर टेक्निक में, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और हम बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के डिटर्मिनेशन में कि उस मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको जानने के लिए अगर बोलूंगा तो आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जान सकते हैं। तो आपको एक बार तीन पॉइंट समझ में आई क्या, कि आईआर का वेवलेंथ कंपैरेटिवली यूवी से विजिबल रेंज से वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होता है और एनर्जी कम होती है, इस कारण से वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं करने की वजह से मैं क्या बोल सकता हूं कि वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हर एक फंक्शनल ग्रुप या हर एक मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट आईआर इंफ्रारेड रीजंस को फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए रहेगा उनमें वाइब्रेशंस कॉज करने के लिए, और यह वाइब्रेशंस किस सहायता से और इन्हीं किस मॉलिक्यूल में कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती है, इन्हीं का फायदा हम उठाएंगे और फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करेंगे इस टेक्निक से जिसका नाम है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप लोग क्या होता है इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग लिख पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टेक्निक है। मैं लिख देता हूं, बेटर वही है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। इसको मैं मिटा देता हूं। IR spectroscopy is a technique, एक ऐसा एक टेक्निक है that uses infrared electromagnetic radiation हिंदी मीडियम वालों के लिए कैसा टेक्निक जो इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग करता है, किस लिए, टू डिटरमाइन, हम ज्ञात क्या कर सके, फंक्शनल ग्रुप, टू डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप्स that are present in molecules। तो यही बात हम लोग किए। इन पॉइंट्स को आप लोग अंडरलाइन करके रख लेंगे कि इन किन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करके रखेंगे कि आप
क्या चीज डिटरमाइन कर रहे हैं? आप फंक्शनल ग्रुप्स डिटरमाइन कर रहे हैं, इसको आप ध्यान पे रखे रहेंगे, है ना। इंफ्रारेड और कौन सी लाइट यूज कर रहे हैं, वो है इंफ्रारेड लाइट। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन, जितना भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया या आप लोगों के पास हो पाई, और फिर इससे आगे बढ़ते हैं। तो इन वाइब्रेशंस की स्टडी हम लोग करेंगे। इस वाइब्रेशंस की बात करें तो यह जो वाइब्रेशंस है वो टोटल दो प्रकार के वाइब्रेशंस हो सकते हैं, ठीक। अब उन वाइब्रेशंस को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो दो वाइब्रेशंस है, एक वाइब्रेशंस कहलाता है स्ट्रेचिंग मोड वाइब्रेशंस। कि अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूं तो वाइब्रेशन किस किन दो प्रकार के हो सकते हैं? स्ट्रेचिंग, देखो आप लोग वाइब्रेशंस, आप वाइब्रेशंस की बात कर सकते हैं। तो आप लोग एक स्प्रिंग लिए, आजू बाजू दो एक किसी बॉल को इससे अटैच कर दिए, उस बॉल को आपने खींचा, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद वो वाइब्रेट करेंगे, स्ट्रेच करके आपने किया, तो एक स्ट्रेचिंग हो सकता है। हो सकता है कि वो एक दूसरे को भी इस तरह से क्रॉस करें, कर सकते हैं ना। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को ऐसे लेके आए, छोड़ दिया, तो वो ऐसे ऐसे क्रॉस करने लग गए। पहले वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस थे। अब मैं बोल सकता हूँ कि एक वाइब्रेशन ऐसा हो सकता है कि वो बेंडिंग मोड भी हो सकता है या बेंडिंग वाइब्रेशंस भी हो सकता है। खैर, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रेचिंग मोड देखते हैं और एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्योंकि हमको मॉलिक्यूल से ही पढ़ना है, हमको वो बॉल नहीं पढ़ना है, है ना। तो एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं CH2, ठीक। अगर मैं CH2 की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक कार्बन है और हमारे पास एक कार्बन है मैं इस कार्बन को रेड कलर से डिनोट कर देता हूं, ठीक। इस कार्बन को मैं रेड कलर से डिनोट कर दिया, और जो दो हाइड्रोजन है मैं उसको ब्लू कलर से डिनोट कर देता हूं, ठीक। ऐसे ही स्थिति हो सकती है इसकी CH2 मॉलिक्यूल में, ठीक। चलिए इन्हीं को यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो इन दोनों के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होंगे होंगे। अब इनमें स्ट्रेचिंग की बात करें तो हो सकता है कि ये जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे से इस तरह से स्ट्रेच करके वाइब्रेट हो पा रहे होंगे, कि मतलब ये इस तरह से वाइब्रेट हो रहे होंगे। कहने का मतलब ये है, ये एक बॉन्ड है, ये एक दूसरे से इस तरह से वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेशन मोड, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेचिंग मोड। ऐसे ही दूसरे ही एक कार्बन भी दूसरा हाइड्रोजन, तो ये इस तरह से हो रहे होंगे, इसको इस प्रकार के वाइब्रेशन को बोलेंगे स्ट्रेचिंग मोड वाइब्रेशंस। और ये अगर ये दोनों एक ही साइड हो पा रहे हैं वाइब्रेशन, कहने का अर्थ यह है कि इसी तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं या अपोजिटली वाइब्रेट नहीं कर रहे। देखो मैं एक एग्जांपल और बताता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि इनका वाइब्रेशंस, देखो जिस प्रकार से मैंने एरो बनाया तो वैसा ही अगर वाइब्रेट कर रहे हैं कि ये ऐसे आ रहे फिर ऐसे आ रहे, एक साथ आगे पीछे हो रहे, ये भी एक तरीका हो सकता है। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि ये कार्बन जो है और जो हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, हो सकता है कि ये इस तरफ जा रहे हैं, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है,
लेकिन ये दूसरा जो हाइड्रोजन है ये इसके जस्ट अपोजिटली वाइब्रेशन शो कर रहा है। कहने का अर्थ है जब ये इधर वाइब्रेट हो रहा है, स्ट्रेच होकर के वाइब्रेट हो रहा है, तो दूसरा वाला इसके पास आ रहा है। जब जब ये पास आ रहा है तो ये दूर जा रहा है, जब ये पास आ रहे हैं तो ये वाला दो, जस्ट अपोजिट नेचर पे। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस भी दो प्रकार के हो पाए, एक वाइब्रेशन जो एक साथ काम करे, मतलब ये दो बॉन्ड है वो एक साथ आगे पीछे वाइब्रेट हो रहे हैं, और हो सकता है कि वो अपोजिटिवली वाइब्रेट करे। तो जो पहला वाला जो एक साथ कर रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड वाइब्रेशन। हम लोग अभी स्ट्रेचिंग मोड को पढ़ रहे हैं, तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड वाइब्रेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, हो सकता है। दूसरी बात क्या हुई, इस वाले को अपन बोलेंगे जिसमें अपोजिटिवली काम हो रहा है, इसको अपन लोग बोलेंगे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड वाइब्रेशन। तो ये दो प्रकार के स्ट्रेचिंग हो सकता है कि वाइब्रेशंस हम लोगों को देखने को मिल पाए। ठीक है, मैं सोचता हूं कि आप लोग यहां तक क्लियर करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें, हो सकता है, ये तो स्ट्रेचिंग वाली बात हुई, हो सकता है कि ये बॉन्ड इस तरह से भी वाइब्रेट करे, मतलब बेंड हो के वाइब्रेट करे, तो उस वाइब्रेशन को अपन बोलेंगे बेंडिंग मोड वाइब्रेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोड वाइब्रेशन। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, अगर यही CH2 लूं, मैं पहले से ही बना लेता हूं, अब आप वाइब्रेशंस को देख पाएंगे बेंडिंग मोड में अगर हम लोग आए, तो हो सकता है कि ये जो दो बॉन्ड्स है, CH2 ही लिया है मैंने, कि ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से वाइब्रेट करे कि वो इधर आ रहे फिर इधर जा रहे, फिर इधर आ रहे फिर इधर जा रहे, फिर इधर आ रहे फिर इधर जा रहे, ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, ये ऐसे आ रहे फिर ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे फिर इस तरह से भी ये वाइब्रेट हो सकते हैं। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि इनका वाइब्रेशन एक साइड ही हो रहा हो, मतलब एक साथ कि ये दोनों इधर वाइब्रेट हो रहे हैं फिर वापस आ रहे। इसमें क्या हो रहा था, ये आगे पीछे इस प्रकार से हो रहे, लेकिन इनका डायरेक्शन केवल सेम सेम हो, तो ये वाला जो वाइब्रेशन है ये बेंड हो रहे हैं, इस कारण से ये कहलाएंगे आपके बेंडिंग मोड वाइब्रेशंस। ठीक, तो अगर जो ये इस तरह से ये वाइब्रेट हो रहे हैं, तो इस तरह से क्या चलती है, कैंची, सीजर, है ना, आप उसका भी एग्जांपल ले सकते हो कि आप सीजर रहता है तो उसका आप इस तरह से करते हैं, इसका से करते हो, है ना, तो ये बेंड होता है, इस कारण से इस बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन में भी जो सब टाइप है इसको अपन लोग बोलेंगे सीजर टाइप ऑफ बेंडिंग मोड वाइब्रेशन। तो स्ट्रेचिंग मोड में हमारे पास सिमेट्रिक एसिमेट्रिक दो प्रकार के हुए, है ना, ये देखो यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं। ठीक, अब बेंडिंग मोड में हमारे पास सीजर्स हो सकते हैं, है ना, दूसरा हो सकता है जो इस साइड एक ही डायरेक्शन पे या फिर इस साइड भी एक ही डायरेक्शन पे करें, इनको इस प्रकार के वाइब्रेशंस को बोला जाएगा रॉक बेंडिंग मोड वाइब्रेशंस। तो ये बेंडिंग वाइब्रेशंस में हम लोगों ने सीजर्स वाइब्रेशंस पढ़े और रॉक बेंडिंग मोड वाइब्रेशंस पढ़ के रखे। ठीक, अब देखो ये तो बेंडिंग वाला है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बॉन्ड्स जो हैं वो इस तरह से वाइब्रेट करें या इस तरह से वाइब्रेट करें। ठीक है, लेकिन मैं एक और चीज भी बोल सकता हूं कि वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप वो भी देख सकते हैं, जैसे कि बेंडिंग मोड में आप वो भी देख सकते हैं, जैसे कि बेंडिंग मोड में हम लोग यह भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि
कि ये बॉन्ड्स तो बने हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, लेकिन हो सकता है कि ये जो बॉन्ड है एक पीछे की तरफ जाए और एक आगे की तरफ जाए, ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब है प्लेन, जैसे कि अगर ये बॉन्ड है, ये कार्बन बीच पे रखा हुआ है, तो ये बॉन्ड इस तरह से और ये आगे की तरफ जा सकता है। हो सकता है कि दोनों आगे की तरफ जाए फिर दोनों ही पीछे की तरफ आए, ये भी एक वाइब्रेशन हुआ। हो सकता है कि एक पीछे जाए और एक आगे आए, पॉसिबिलिटी समझ सकते हो, है ना। तो हम लोग इसको डिनोट करने की कोशिश करेंगे इससे। मान के चलिए ये वाला आगे आ रहा है और दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो पीछे जा रहा है, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ये जो दोनों बॉन्ड है ये दोनों ही सामने आ रहे हैं उसके बाद पीछे जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं पीछे आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों के डायरेक्शन एक साथ चल रहा है, तो प्लस प्लस मैंने लिख दिया, एक प्लस माइनस लिख दिया। तो मैं डिनोट कर रहा हूँ कि जब ये आगे आ रहा है तो ये पीछे जाएगा, तो ये अब मैं डिनोट कर रहा हूँ कि अगर ये आगे आ रहा है तो सेकेंड वाला भी आगे ही आ रहा है। तो इस अपोजिट डायरेक्शन में अगर बेंडिंग हो रहा है, ये भी तो बेंडिंग कहलाएगा, ये भी बेंडिंग कहला रहा है, ये भी बेंडिंग कहला रहा है, ये भी बेंडिंग कहला रहा है ना। तो इस प्रकार के वाइब्रेशन को अपन लोग बोलेंगे ट्विस्ट बेंडिंग मोड वाइब्रेशन, ठीक। और इस वाले को बोलेंगे अपन लोग वैग बेंडिंग मोड वाइब्रेशन। इस प्रकार के वाइब्रेशंस को हम लोग बोलेंगे वैग बेंडिंग, वैग वाइब्रेशंस, ट्विस्ट वाइब्रेशंस, सीजर वाइब्रेशन, रॉक वाइब्रेशंस। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस हम लोगों ने देखा कि ट्विस्ट टाइप के भी हो सकते हैं, सीजर्स टाइप के भी हो सकते हैं, वैग टाइप के भी हो सकते हैं और रॉक टाइप के भी हो सकते हैं। स्ट्रेचिंग मोड में हम लोगों ने देखा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस को, ठीक है। अब इस ये वाइब्रेशंस को करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो केवल और केवल IR का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों को ध्यान होगा कि IR में हम लोग एक चीज देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोग एक चीज देखते थे, आज हम पढ़ रहे थे तो हम लोग ने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ा हुआ था कि कितने ऑसिलेशंस एक यूनिट टाइम में हो रहे हैं उसको अपन लोग फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे। हम लोगों ने वेव लेंथ पढ़ा था, इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा करके कोशिश करता हूँ। आप हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक वेव लेंथ पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान होगा, है ना। हम लोगों ने वेव लेंथ पढ़ा था और इस जो हाइएस्ट वेव था, हाइएस्ट वैल्यू थी उसको अपन लोग एम्पलीट्यूड बोल रहे थे, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और फिर वेवलेंथ को हम लोग एक तरह से भी नाप रहे थे, मेजर कर रहे थे कि एक को हम लोगों ने क्रेस्ट बोला था, एक को हम लोगों ने ट्रफ बोला था और एक को हम लोगों ने क्रेस्ट बोला था। तो दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोल रहे थे, आप लोगों को ध्यान पे होगा। दो क्रस्ट के बीच में हम लोग क्या बोल रहे थे, वेवलेंथ। दो क्रफ्ट के ट्रफ के बीच में हम लोग उनको भी वेवलेंथ बोल रहे थे। तो ये वेवलेंथ की बात हुई, है ना। कितने ऑसिलेशंस एक यूनिट टाइम में हो रहे थे उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे, ठीक है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। लेकिन अगर मैं एक इक्वेशन आप लोगों को ध्यान पे याद दिलाऊं कि जो हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कोरिलेट करते थे तो हमारे पास एक इक्वेशन रहता था जिसको हम लोग बोलते थे सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। अगर आपको ध्यान पे है यहाँ पे लिखता हूँ C इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, या फिर मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी को C अपॉन लैम्डा जरूर बताया था। ये इक्वेशन आप लोगों को ध्यान पे होगा, अगर आप लोगों को ध्यान पे है तो, ठीक। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा
कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, हम लोग फिलहाल क्या क्या यूज करने वाले हैं। सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट 3.0 × 10⁸ m/s, स्पीड ऑफ लाइट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी भी मैंने आप लोगों को बताया था और वेवलेंथ भी आप लोगों को अभी बता दिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ तो लेंगे जिसका यूनिट सेंटीमीटर और मीटर होते थे, सेंटीमीटर जनरली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जो यूज करते हैं वो जस्ट वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप यूज करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग लैम्डा ना यूज करके हम लोग 1/λ यूज करते हैं। तो इसका यूनिट कैसा हो जाएगा, लैम्डा का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो 1/λ का यूनिट क्या हो जाएगा, 1/cm, सीधी सी बात है। अब इस सेंटीमीटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर 1/cm को हम लोग सेंटीमीटर के पावर -1, इसको हम लोग रीड करेंगे सेंटीमीटर इनवर्स, और ये 1/λ कहलाता है वेव नंबर। अगर आप वेवलेंथ का इनवर्स कर दोगे तो वह कहलाता है वेव नंबर, वह क्या कहलाता है, वेव नंबर। तो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का इनवर्स वैल्यू जो है वो वेव नंबर कहलाता है। आया, ठीक। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो वेव नंबर के बारे में, कि वेव नंबर क्या होंगे, कि अमाउंट ऑफ वेवलेंथ इन 1 cm, कि 1 cm में कितना वेवलेंथ है, वेव का कितना लेंथ है 1 cm, यह कहलाएगा आपका वेव नंबर। ठीक, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वेवलेंथ फॉर्म्ड इन 1 cm, ऐसा भी लिख सकते हो, 1 cm में कितना अमाउंट वेवलेंथ बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट किया जाता है 1/λ से, और ये जो इसका यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स है। इसका मतलब ये है हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेंटीमीटर इनवर्स या वेव नंबर से ही डील करेंगे, जिसमें 1 cm में वेवलेंथ की मात्रा ज्यादा होगी। वो उस केस में क्या बोल सकता हूं मैं, एक चीज कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी तो निश्चित कम होगा। समझ रहे हैं? इस रिलेशनशिप से हम लोगों को मिला क्या, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम है। जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जिस मॉलिक्यूल में वेवलेंथ कम आवश्यक पड़ रही है, मतलब इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नियर फार ये सब भी थे, तो जिस मॉलिक्यूल को आईआर कम वेवलेंथ का चाहिए, कम वेवलेंथ चाहिए, इसका मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब उसको हाई फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट्स पूरा वेव नंबर और वेवलेंथ आपको रिव्यू करके बताया। ठीक, चलिए अब हम लोगों को आईआर में वेव नंबर की आवश्यकता तो पड़ती है।
आपको एग्जाम्पल से आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि वेव नंबर और हम लोग फ्रीक्वेंसीज को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, इतना ही चीजें बस ध्यान पर रखना, फिर एग्जाम्पल में आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आएगा कि होने क्या वाला है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था आप लोग को, मैं ध्यान से उतर गया, खैर याद आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक, तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ेगी और वेव नंबर आवश्यक होगा। अब देखो, आप इस इक्वेशन को चेंज भी कर सकते हो। कैसे आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? वन अपॉन लैंडा आपको पता है वेव नंबर होता है, तो देखो फ्रीक्वेंसी को हम लोग इसलिए लिखते हैं, लेकिन हम लोग वेव नंबर को इस बार से v के ऊपर एक बार से डिनोट करते हैं। तो वेव नंबर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? v बार से। तो अगर आपको ऐसा साइन देखने को मिलेगा तो आप समझ जाना कि वो वेव नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास देखो वन अपॉन लैम्डा मैंने क्या कर दिया, वेव नंबर, और यहां पे इंटू सी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर से माप कर रहे हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल का, कि उसको वाइब्रेशन करने में कितना जरूरत पड़ रही है, वाइब्रेशन करने के लिए उसको कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमको जहां पे वेव नंबर ज्यादा दिखेगा, वेव नंबर ज्यादा दिखेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी लाइट की। इसका मतलब जिस मॉलिक्यूल में वेव नंबर ज्यादा डिनोट कर पा रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल को आईआर का जो फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, वो उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं वेवलेंथ के साथ कंपैरिजन करूंगा तब केस उल्टा हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना याद रखोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप केवल इतना ही ध्यान पर रखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी जिसका वेव नंबर ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी, उसको हाई फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट रहेगा। इतना आपको समझ में आया होगा कि जिसको वेव नंबर ज्यादा चाहिए रहेगा, जिसका वेव नंबर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की आवश्यकता पड़ी है। इतना आपको समझ में आया होगा, बाकी यही बेस है, आप ध्यान पर रख रहे। तो एक डिपेंडेंस वेव नंबर आप लोगों को देख पा रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एक लॉ के माध्यम से दर्शा सकते हैं और उस लॉ को बोला जाता है, हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी ने वाइब्रेशन कॉज किया, समझ रहे हो, तो उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज का एक लॉ है जिसको अपन बोलते हैं हुक्स लॉ, फिजिक्स से आया है। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से, और मास अपॉन मास, कि इनवर्स रिलेशन वो मास के साथ शो करेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जिस मॉलिक्यूल में जो वो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट रहेगी।
जिस मॉलिक्यूल का मास कम है, जिस मॉलिक्यूल का मास कम है उसको हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए ये इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन में है, और फ्रीक्वेंसी जो है इस रिलेशनशिप के हिसाब से 1/√मास है। इसका मतलब जब ये ज्यादा होगा तो ये कम होना चाहिए, कम होगा ही। मतलब जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कहने के लिए मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि जिस जैसे कि सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपैरेटिवली किसके, सी सिंगल बॉन्ड सी, अगर आपको थोड़ा केमिस्ट्री पता है। खैर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा, है ना, ये बात की बात है। लेकिन अभी केवल इतना आपको दिमाग में फीड करके रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के समानुपाती होता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान से दिमाग पे फिट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस मॉलिक्यूल का मास कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ठीक। तो अगर मैं नेक्स्ट इस इक्वेशन को पूरी तरह इलाबोरेट करके लिखूं, जो हुक्स लॉ का इक्वेशन रहता है, तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं वी, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π, 1/2π। अब देखो प्रोपोर्शनल हट रहा है ना, सब अंडर रूट के अपॉन M1 × M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2। तो हुक्स लॉ का जो इक्वेशन है, हुक्स लॉ का जो इक्वेशन है वो हमको क्या, हम क्या दर्शा देख पा रहे हैं, इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला हुक्स लॉ से। देखिए तो ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π अंडर रूट ऑफ के अपॉन M1 × M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, ये हुक्स लॉ का इक्वेशन हुआ। ये जो मैं आप लोगों को बताया हूं ये बिल्कुल ही सार चीज है, इस कारण से मैंने इसको अलग से आप लोगों के पास बता दिया। तो आप इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से ध्यान पे रखेंगे। ये वाला इक्वेशन ध्यान पे रखेंगे, इसी इक्वेशन को मैंने इधर पे लिख लिया है क्लियर कट, ये हुक्स लॉ का इक्वेशन है। अब देखो कि जो के है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ बॉन्ड। के क्या है, कांस्टेंट है, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट ऑफ बॉन्ड, फोर्स कांस्टेंट ऑफ बॉन्ड। वही कि के फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल है के से, कहने का अर्थ यह है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। फोर्स कांस्टेंट है दो तो बॉन्ड के बीच में, जितना ज्यादा फोर्स रहेगा दो बॉन्ड के बीच में उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो के भी डिनोट वही कर रहा है। तो जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फिजिक्स से आया हुआ क्वेश्चन इक्वेशन। अब देखिए एक क्वांटिटी आप लोगों को दिख रही है जिसको अपन लोग बोलते हैं M1 × M2 डिवाइडेड बाई M1 + M2। M1 / M2 डिवाइडेड बाई M1 + M2, इसको डिनोट कर दिया जाता है एक स्मॉल m से, टोटल मास से। एक्चुअल में इसको मास नहीं बोलते, इसको हम लोग रिड्यूस्ड मास बोलते हैं,
तो आप केवल इतना ध्यान पर रखेंगे, रिड्यूस्ड मास आप इक्वेशन में दिखा देंगे, आप क्या दिखा सकते हैं, रिड्यूस्ड मास को दिखा सकते हैं, तो आप लोग इससे भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो रिड्यूस्ड मास या सिंपली मास भी समझेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे कि जिसका जिस मॉलिक्यूल का मास कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो मोटा मोटी हम लोगों ने क्या चीज देखा, इसको देख लेते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस देखे। एक स्ट्रेचिंग मोड में हम लोग ने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक देखा। बेंडिंग मोड में हम लोग ने सीजर रॉक टाइप देखा, अगर वो इस तरह से बेंड हो रहे हैं या इस तरह से बेंड हो रहे हैं। अगर वो प्लेन के एक साथ बाहर और अंदर हो रहे हैं तो वो हमारे ट्विस्ट और वैग टाइप के स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशंस कहलाएंगे। ठीक, और फिर हम लोगों ने देखा वेव नंबर के बारे में कि जिनका वेव नंबर ज्यादा होगा इसका मतलब यह है कि उनको हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ IR की जरूरत पड़ेगी। हम इस फ्रीक्वेंसी को हुक्स लॉ के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस हुक लॉ का मेन सार यह है जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसको हाई रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ IR की जरूरत पड़ेगी, और जिसका मास कम होगा उसको हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट जरूरत पड़ेगी। जिस मॉलिक्यूल का मास ज्यादा उसको कम फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेगा, जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसमें हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक इक्वेशन, पूरे डिराइव्ड इक्वेशन हुक्स लॉ का, कि फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 pi k/M1 into M2 / M1 plus M2 को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और यह कहलाता है आपका रिड्यूस्ड मास। ठीक, तो ये आप लोगों के सामने कुछ वाइब्रेशंस हैं, और कुछ वाइब्रेशंस के बाद हम लोग एक काम करेंगे। ठीक है, हम लोग एक और काम कर सकते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। हम लोग एक मॉलिक्यूल में कितने पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी की बात तो कर ली है, तो इसको हम लोग फाइनल जब रिजल्ट आता है उसमें IR में कैसे होते हैं। एक मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिजल्ट्स कैसे आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार कलरीमीटर में देखा कि एब्जॉर्बेंस जो है वो हमको नंबर के हिसाब से दिख रहे थे, इसमें हमको ग्राफ देखने को मिलता है, उस ग्राफ से हम लोग को डिसाइड करना रहता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा नहीं है। खैर, इतना टेंशन मत लीजिए, जितना मैंने पढ़ा है उतना बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कराने की एकदम अच्छे से। एक बार आप इसके पूरे थ्योरी पोर्शंस को समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में जाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। आप बहुत सारा चीज पढ़ चुके हो, डिटेक्टर्स भी कई ठोक रिपीट होंगे, सैंपल कैसे बनाते हैं इसको देखना होगा, है ना, सैंपल कंटेनर क्या दूसरे होते हैं कि नहीं होते, है ना, इसको देखना होगा। अब लैंप में डिफरेंस हो जाएगा, इसको भी देखना रहेगा। ठीक, तो आप इतना थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए, अपने नोट्स बना बना करके रखिए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। ठीक, तो और आपको फिर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मेन थोड़ा बेसिक जो है वो मैंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी आपको बताया है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे आगे की चीज़ें बताऊंगा। किसी को भी कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, और या फिर BSc वाले ग्रुप पे लिख सकते हैं, है ना। MSc वालों को भी कोई दिक्कत है तो आप MSc के ग्रुप में लिख सकते हैं। तो इतना बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर मेरे को बताइए कि कोई डाउट है कि नहीं है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट के आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।